विदर्भीय निर्माताओं द्वारा निर्मित हॉरर फिल्म बेरा एक अघोरी रिलीज होने से पहले शहर में चर्चा का विषय बन गई है। इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और देश भर में सोशल मीडिया पर गाने की रील ट्रेंड कर रही है। धीरल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत राजू भारती द्वारा निर्मित यह फिल्म शुक्रवार 28 अप्रैल को सिनेमा घरों में उतरेगी। शक्तिवीर धीराल द्वारा लिखित और प्रेम धीराल द्वारा निर्देशित यह फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। हालांकि यह फिल्म मूल रूप से डरावनी है, लेकिन इसमें दिलचस्प दृश्य और संवाद भी है। इसमें रोमांस का भी टच है। शक्तिवीर धीराल, प्रेम धीराल और प्राजक्ता शिंदे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें प्राजक्ता ने एक हसीना का किरदार निभाया है। इस कलाकृति को देखना और भी दिलचस्प और रोमांचक होगा। बेरा एक अघोरी नए जमाने की फिल्म है, नए मोड़ के साथ। निर्माता राजू भारती ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा लोगों को फिल्म अधिक पसंद आएगी। संगीत जोड़ी प्रेम शक्ति ने फिल्म में मधुर संगीत दिया है। उनके गाने पहले से ही लोकप्रिय हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके रील भी बन रहे हैं। इन गानों को बॉलीवुड सिंगर नक्श अजीज, शाहिद माल्या वैशाली ने गाया है। रोशन खड़गी फिल्म के DOP हैं। ऑडियो लैब मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा रिलीज की गई है। यह फिल्म रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म के निर्माता राजू भारती और ज्यादातर कलाकार विदर्भ से हैं। उपजाऊ मिट्टी में कला के ऐसे गुणवत्तापूर्ण कार्य का उत्पादन करना गर्व की बात मानी जाती है। मेरा नाम है राजू भारती। बेरा एक अघोरी फिल्म का एज ए प्रोड्यूसर और रहता चंद्रपुर में हूँ। बेरा एक अघोरी फिल्म के बारे में आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि आज के जनरेशन के हिसाब से जो फिल्म में कुछ चीज़ें रखनी चाहिए थी, जो आजकल के हॉरर मूवी में मिसिंग रहती है, जैसे डर की जगह लोग हंसते हैं, वैसे हमने हमारे फिल्म में होने नहीं दिए। और आजकल अपने महाराष्ट्र में, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेज है सिंगिंग का। सिंगिंग के बारे में बोलना चाहूँगा, हमारे फिल्म में तीन सॉन्ग है, उसमें रोमांटिक एटम सॉन्ग और डांसिंग सॉन्ग है। तो तीन सॉन्ग हमारे फिल्म में है, जो कि हम भले ही फ्रेशर है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।